महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के अवसर पर कल दही हांडी का उत्सव मनाया जाएगा। मुंबई में जन्माष्टमी के त्यौहार का बेहद खास और अनमोल हिस्सा है दही हांडी उत्सव। जन्माष्टमी के दिन पूरे महाराष्ट्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस पावन त्यौहार पर मनाए जाने वाली परंपरा है दही हांडी उत्सव। इस पौराणिक परंपरा प्रभु श्री कृष्ण के मक्खन के प्रति प्रेम और लगाव को दर्शाती है। दही हांडी का उत्सव आपको भगवान कृष्ण द्वारा बचपन में माखन चुराने के लिए कई शरारतों को याद दिलाता है। मुंबई में अलग अलग मंडली के द्वारा दही हांडी का उत्सव आयोजित किया जाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए मुंबई आते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर क्या तैयारी है, मुंबई से इसका जायजा लिया है हमारी संवाददाता फरियाल सईद ने। देश भर में जन्माष्टमी की धूम मची है। आपको बता दें, बात करें महाराष्ट्र राज्य की, तो जन्माष्टमी के मौके पर महाराष्ट्र में जो है दही हंडी का उत्सव जो है बड़े ही जोरों और शोरों से मनाया जाता है। और कल महाराष्ट्र में जो है दही हंडी का उत्सव मनाया जाने वाला है, उसी को लेकर जो है तैयारियां जो है मुंबई और थाने में लगातार शुरू है। आपको बता दें कि ये एक परंपरा है महाराष्ट्र की, जहाँ पर जन्माष्टमी के मौके पर जो है दही हंडी को जो है वो है ऊंचाई पर लगाया जाता है। और जो दही हंडी के जितने भी गोविंदा के पतंग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो अलग अलग पिरामिड बनाकर जो है इस दही हंडी को फोड़े। और जो लोगों का जो उत्साह है वो जन्माष्टमी के मौके पर जो है देखने को मिलता है। आप देख सकते हो कि किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर जो है वो की जा रही है कल के लिए, क्योंकि जन्माष्टमी जो है वो महाराष्ट्र में कल मनाई जाने वाली है। मुंबई और थाने में जो है आपको बता दें कि दही हंडी के पतंग जो है उनके कॉम्पिटिशन्स लगते हैं, और अलग अलग मंडल जो है सालों से जो है ये कॉम्पिटिशन्स अरेंज करते हैं। और ये एक परंपरा है भगवान श्री कृष्ण के बचपन की, जो वो मक्खन चुराते थे उसे दर्शाते हुए जो है दही का जो एक हंडी होती है उसे जो है ऊंचाई पर बांधा जाता है, और जो अलग अलग पतंग होते हैं वो जो है थर लगाकर इस दही हंडी को जो है तोड़ने का प्रयास करते हैं। और जो सबसे पहला गोविंदा का पतंग होता है वो जब ये दही हंडी तोड़ता है वो विजेता कहलाता है। इस तरीके से ये बच्चों के लिए जो है वो भगवान कृष्ण के जो है जर्सी बनाए गए हैं। कल जो है देश भर में और मुंबई और थाने में खास करके जो है दही हंडी जो है वो मनाई जाती है। दुकान के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे हम। अंकल, ये बहुत सारी जर्सी है बच्चों के लिए, तो ये हर साल है कि इस बार का नया फैशन? नहीं, हर साल हम लोग बेचते हैं, कम से कम 1000-2000 पीस बिक जाता है। ये बहुत जोरों से मंगाते हैं, जैसे गणपति हो गया, जन्माष्टमी हो गया और तिरंगा हो गया, ये सब चीज मोनोपोली आइटम है कि बच्चे लोग को खुश करने के लिए अब लेके जाते हैं। और बच्चे पहनते तो बहुत खुश होते हैं कि इतना खुश होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि हम लोग कुछ पहने, आज कुछ हमारा कस्टमर है, ऐसा कुछ है। तो जन्माष्टमी का जो है उत्सव दही हंडी कल जो है वो मनाई जाने वाली है, तो कितना ज्यादा जो है बच्चे इसे पसंद करते हैं और कितना ज्यादा तादाद में ये टी शर्ट जो है वो बिकते हैं? बच्चे तो बहुत जीत करते हैं यहाँ पे, बच्चे जब आते हैं तो बोलते हैं मम्मी हमको ये चाहिए, ये वाला दिलाओ। सब बच्चे, हमारे दोस्त बच्चे यही सब पहनते हैं, हम भी पहनेंगे, इस तरह से इनका बहुत बिकता है ये। तो हर साल जो है वो सेम आता है कि इस बार कुछ यूनिक आया है? सब अलग अलग डिजाइन आते जाते रहते हैं, अभी इस बार का तो नया नया डिजाइन, इतने कम से कम मैंने 15 डिजाइन बनवाया है इस बार। और कल यानी कि 27 अगस्त को दही हंडी जो है वो मुंबई थाने और पूरे महाराष्ट्र भर में मनाई जाने वाली है, उसी को लेकर जो है बाजारों में काफी ज्यादा गर्दी जो है वो नजर आ रही है। आप देख सकते हो मेरे पीछे की किस तरीके से बाजार जो है वो जो है पूरे भरे हुए है, और जिस तरीके से तैयारी है वो लगातार शुरू है। हम यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर आप देख सकते हो कि यही वो दही हंडी होती है, जो मट्टी की हंडी होती है वो ऊंचाई पर बांधी जाती है, और अलग अलग गोविंदा पतंग जो है वो उनके बीच में कंपटीशन लगता है, और जो सबसे पहले इस दही हंडी को फोड़ता है उसे जो है विजेता के तौर पर घोषित किया जाता है। और आपको बता दें मुंबई और थाने जैसे जिलों में दही हंडी के जो पतंग होते हैं उन्हें लाखों की तादाद में जो है वो पैसे कैश प्राइज के तौर पर पुरस्कार और ट्रॉफी के साथ जो नवाजा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की दही हंडी जो है वो मौजूद है, और लोग जो है वो उसकी खरीदी कर रहे हैं, क्योंकि यही दही हंडी जो है वो कल जो है ऊंचाई पर लटकाई जाती है। आपको बता दें कि भगवान
कृष्ण की बचपन की परंपराओं को जो है याद करते हुए, जिस तरीके से वो माखन चुराते थे, उस सारी चीजों को याद करते हुए जो है दही हांडी जो है वो बड़े ही जोरों शोरों से जो है उत्सव के साथ जो है वो मनाया जाता है। आपको बता दें कि मुंबई और थाने में कल गो गो गोविंदा जैसे और आला रे आला गोविंदा आला के साथ जो है वो गूंज के जो है हर जगह जो है उत्सव देखने को मिलता है। और मुंबई और थाने जिलों में कल का जो माहौल जो है वो ऐसा होता है कि कई सारे हजारों की तादाद में पर्यटक और जो श्रद्धालु है वो मुंबई और थाने की ओर आते हैं ताकि वो जो दही हंडी का उत्सव है मुंबई और थाने और महाराष्ट्र भर में उसे जो है वो मना सके। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है और वो खड़े भी कर रहे हैं, क्योंकि यही जो हांडी होती है वो जो है कल ऊंचाई पर लटकाई जाती है और गोविंदा पतंग जो है मेहनत करके जो है जो है तोड़ते हैं। यहाँ पर जो है ये विक्रेता है उनसे हम बात करेंगे। सर कितने सालों से ये धंधा आप कर रहे हो बेचने का? करीबन 5-6 साल से। इस बार क्या अलग है? अलग ये उत्साह है ज्यादा और ये लोगों का ज्यादा आती है विक्रेता है। जब से एकनाथ शिंदे आए हैं तब से गोविंदा जो होते हैं उन्हें स्पोर्ट्स मैन के तौर पे देखा जाता है, दही हंडी को स्पोर्ट्स की तरफ देखा जा रहा है, तो क्या उससे इसमें इसके बिकने में फर्क आया है? हाँ आया, बिकने में फर्क आया, जो 50 रुपया और ज्यादा उत्साह महंगा ही आया। इस बार क्या कुछ नया है जो दही हंडी है उसमें क्या कुछ नया है? कलर सब अलग अलग है और कुछ स्पेशलिटी इस बार जो अलग देखने को? हाँ ये सब जो लाइट वगैरह जो सब है ना वो सब अलग से लगा है, ये सब कारण से मंगा है। फिर भी मतलब कितने दिन से आप ये बेचना स्टार्ट करते हो और कितने जो है वो बिक जाते हैं? करीबन 5-6 सौ बिक जाते हैं एक दिन में। आप देख सकते हो कि किस तरीके से विक्रेता है जो यहाँ पर दही हांडी को बेचते हैं, और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो कि किस तरीके से जो है इस बार के जो है दही हांडी जो है उसमें अलग अलग जो है रंग के जरिए जो है ये आकर्षक तरीके से इसे बनाया जाता है। यही हांडी होती है जिसमें दही और मक्खन डालकर जो है ऊंचाई पर टंगाए जाते हैं और फिर गोविंदा पतंग जो है वो आपस में जो है प्रतियोगिता करते हुए इस दही हांडी को फोड़ते हैं और जो है अलग अलग इनाम जो है उसे जीतते हैं। और आप देख सकते हो कि इस तरीके का माहौल जो है वो यहाँ पर बाजारों में है और लोग दही हंडी खरीदने के लिए जो है वो बाजारों में आ रहे हैं और कल जो है मुंबई थाने और महाराष्ट्र भर में भी जो है दही हंडी का उत्सव मनाया जाने वाला है। कैमरामैन आयान के साथ।